और जफर इस्लाम, अब मैं सीधे आपके पास आऊंगा। जफर इस्लाम, जो बात यहां पर देवेंद्र शर्मा ने कही उसमें दो चीजें हैं, हो सकता है कि मानसून अभी खराब ना हुआ हो सकता है कि मानसून की बारिश अच्छी हो, लेकिन क्या महंगाई आपको नहीं डराती सर? क्या आपको नहीं लगता कि महंगाई अगर है, अगर है तो इसको कैसे आप मीडिया के दिमाग की उपज कह सकते हैं? जफर इस्लाम, देखिए गौरव जी, दो तीन बातें कहूंगा। पहले तो कि जहां तक मौसम विभाग का सवाल है, मौसम विभाग ने साफ साफ कहा है कि इस बार अच्छा मानसून रहेगा और अभी पूरी आशा है मुझे कि मानसून बहुत अच्छा रहेगा और हमें जो भी इस वक्त जो अप्रिहेंशन है वो आगे आने वाले दिनों में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कि जो एक्सपेक्टेशन है मौसम विभाग का वो बहुत पॉजिटिव है, पहली बात। उसके अलावा और भी दीगर जो उसी मौसम विभाग ने कहा कि 22% डेफिसिट है 15 दिनों में, 22% बारिश कम हुई है। जफर इस्लाम, उसी मौसम विभाग ने कहा है पिछले 15 दिनों में, बिल्कुल गौरव साहब कहा उसने, लेकिन आगे की फोरकास्ट के बारे में बता रहे, फोरकास्ट अच्छा है और इसीलिए मैं उम्मीद करता हूं कि बारिश की जो आज जो हम जो कठिनाई महसूस कर रहे हैं शायद आने वाले दिनों में वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। दूसरी बात जो आपने कहा प्राइस पे, जो हमारे मिनिस्टर साहब श्री रामलाल पासवान जी जो कमेंट कर रहे थे उसके बारे में आपने टिप्पणी की, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए उन्होंने एक कंपैरिजन करके बताया कि देखिए हर मार्केट में थोड़ी थोड़ी चीज़ों के दाम बढ़ती, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्फ्लेशन देखिए तो यूपीए के सरकार में डबल डिजिट थी, आज वो सिंगल डिजिट में और भी 50% कम हो गया इन्फ्लेशन, लेकिन कुछ ये जरूर बात है, मैं मानता हूं बात को, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, आप आंकड़ों को अच्छे से रखते हैं, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए सर, आप आंकड़ों को अच्छे से रखते हैं लेकिन मेरी बात सुन लीजिए। कल वित्त मंत्री अरुण, मैं आता हूं प्रदीप जैन आपके पास, कल वित्त मंत्री अरुण जेटली, रामविलास पासवान, राधामोहन सिंह, तमाम में मिनिस्टर्स की एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होती है महंगाई पर, वित्त मंत्री प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं इस मीटिंग में क्या हुआ। आज तमाम अधिकारी जिसमें डीआरआई, डीजी पुलिस और सचिवों की बैठक होती है जिसमें जमाखोरी और कार्टलाइजेशन के खिलाफ कदम उठाए जाने की बात की जाती है। सर ये सब क्या नॉर्मल चीजें हैं? क्या ये सब आपको लगता नहीं कि इनका एक संकेत जाता है कि वाकई सरकार में कुछ लोग तो हैं जो महंगाई के ऊपर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं? सर मैं गौरव जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं 2 मिनट लूंगा आपका, लेकिन मैं बताऊंगा तफसील से इस बात को। देखिए ये बात सही है, मैं पहले जैसे कहा कि अगर आप जो फूड इन्फ्लेशन में आप जितनी चीजें बास्केट में आती हैं वो उसमें कुछ चीजों के दाम जरूर बढ़े हैं, और मैं मानता हूं कि दाल के दाम बढ़े, मैं मानता हूं कि कुछ साइक्लिकल प्रोडक्ट है आपके मंत्री जैसे नहीं मानते है, जैसे टमाटर आपके है, मंत्री नहीं मानते, नहीं उन्होंने नहीं देखिए उनको आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल रहे हैं, वो उन्होंने कंपैरिजन किया कि देखिए दाम चीजों के बढ़ते आप इतना सेंसिटिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर मार्जिनली दाम बढ़ गया फूड प्रोडक्ट का बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, इवन दो इट इज अ साइक्लिकल प्रोडक्ट, और किसी जगह में किसी स्टेट में दाम ज्यादा हो किसी स्टेट में दाम कम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसी किसी और सीएनबीसी में था और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यही प्रवक्ता थे जो सामने बैठे हैं दीपक जी, इन्होंने प्रदीप जी, इन्होंने कहा था कि एक स्टेट में 50 पैसे किसान बेच रहा है प्याज और दूसरे स्टेट में महंगाई बिक रहा है, तो इसकी वजह देखिए आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में सर, जो यूपीए और कांग्रेस सरकारों ने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम दे के रखा है, और ये सरकार बहुत सारे फ्रंट पे काम कर रही है, पॉलिसी मेजर्स ले रही है, एक तो कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोडक्ट, दूसरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज जो नहीं थी बहुत कमी थी यहाँ पर, जो कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ताकि शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है सब्जी की, उसको कहीं ना कहीं अंदर, और तीसरी चीज जो आपने सही कहा एडवाइजरी भेजा है सारे स्टेट को कि जमाखोरी जो कर रहे हैं, जो तो ये डुअल स्टैंडर्ड लगता है ना सर, डुअल स्टैंडर्ड लगता है, एक तरफ आप सीरियस दिखते हैं और एक तरफ आप हल्के में ले लेते हैं चीजों, जब आप दिल्ली में होते हैं तो आपको वो चीजें सीरियस लगती हैं, जब आप रांची में होते हैं तो आपको वो चीजें हल्की लगती हैं, कैसे आप इसको मान सकते हैं? प्रदीप जैन, मैं आपके पास आऊंगा, प्रदीप जैन क्या ये सरकार महंगाई से निपटने में, मैं आता हूं जफर इस्लाम, क्या ये सरकार महंगाई से निपटने में आपको, जफर इस्लाम से आ रहा हूं, जफर इस्लाम से आ रहा हूं, क्या ये सरकार आपको सीरियस दिखती है? बात सुनी जी, मैंने जफर इस्लाम की बात सुनी और मैं भाई देवेंद्र शर्मा की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम लोगों को भी लगता था जब यूपीए सरकार में कि कहीं ना कहीं महंगाई तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अब जितना विकराल रूप हो रहा और उसमें मैनिपुलेशन है, मैं 100% देवेंद्र जी की बात से सहमत हूँ। नहीं, उन्होंने तो आपकी सरकार पर भी सवाल उठाया, उन्होंने 15 सालों की सरकारों को करने में खड़ा किया, वो गलती थी, जब तो हम हारे ना, हम हारे इसी वजह से, लेकिन आप इनको तो देखिए महाजश्न मना रहे, अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, आप देखिए जमाखोरी की बात, पिछले 2 सालों में 5 बार कैबिनेट की मीटिंग हो गई,
राज्यों में आपने कितनी कार्रवाई की, कोई कार्रवाई नहीं की। आज जिस तरह से आप फूड कमोडिटी हैं, इसके अलावा आप देखिए क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिर रही है। आप 54 रुपये पेट्रोल पर, 100 रुपये में 54% पेट्रोल पर बैट और एक्साइज लग रही है, डीजल पर 47 रुपये लग रही है। आज आप देखिए जिस तरीके से दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं। मैं आता हूं जफर जी, आता हूं एक से आप गौरव जी, मैं जफर जी की बात पूरी मैंने से एक सवाल करना चाहता हूं। हाँ पूछिए पूछिए जी, पहले पूरी मेरी सवाल जो आप जवाब दीजिए। प्रदीप जान सवाल है, अगर वैट की इन्होंने सर्विस टैक्स इन्होंने बढ़ाया है, इन्होंने प्रदीप जी अगर आपको लगता है कि वैट बहुत ज्यादा बढ़ा है आपके हिसाब से, लेकिन आपको मैं उसके पूरे एनालिसिस दूंगा कि किस लिए है और इसका कहां प्रयोग है और कैसे वे बेनिफिट कर रहा है जीडीपी में एज वेल एज खाने पीने के पदार्थों में, लेकिन आपके स्टेट जो रूल्ड है वहां पर आप वैट कम मत लीजिए। आप क्यों नहीं करते वैसे, आप कांग्रेस रूल स्टेट में वैट खत्म कर दीजिए, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, ये क्यों नहीं करते आप? आप इतना भाषण दे रहे हैं हमारे, हमें बोल रहे हैं ये स्टेट सब्जेक्ट है, कम कर दीजिए फिर बात करिएगा। आप जबरदस्त करते तो जब कुछ नहीं है, प्रवचन जब आप प्रवचन दे रहे थे, आपके प्रवचन सुन रहे थे, आप समझिए आपके प्रवचन नहीं सुनना, हम आप सरकार में बैठे हैं, सवाल कर रहे हैं, प्रवचन नहीं आपको सवाल कर रहे हैं, आपने एक सलाह दी प्रीचिंग, हम आप बिल्कुल ठीक है, हम ये कराएंगे, लेकिन आप समझिए आपके पास इतने बड़े बड़े राज्य हैं, आप जमाखोरों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपका हमने प्रवचन सुना, आपका सजेशन भी सुना। अरे भाई हमारी एडवाइजरी हम तो जमाखोरों के खिलाफ है। आप अपने प्रधानमंत्री जी से कहिए जिन्होंने कहा था कि 100 दिन के अंदर महंगाई खत्म कर देंगे, आज प्रधानमंत्री जी प्रवचन दे रहे हैं लेकिन आज वो जमाखोरों पर रोक नहीं लगा रहे। आज आप बताइए, मैंने अगर आपने जो अगर आप अगर पूरी बात का बात देखो जफर भाई, अगर आप समझते हैं चलिए ठीक है सर, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके हम आपको एक एक करके सफर इस्लाम प्रदीप जन एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं।